गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए सुबह हो गई है, अभी हम लोग उठ गए हैं और रश्मि जी अभी भी सो रही हैं, लेटी हैं, देख सकते हैं। विल्टन भी लेटा है, तो अभी हम लोग उठेंगे और थोड़ा ब्रश व्रश करेंगे, मंजन वंजन करने के बाद में नहाने धोने के बाद यहाँ से निकलेंगे। और आज हम लोग जो है लखनऊ के लिए निकलेंगे और आज कोशिश करेंगे शाम तक लखनऊ तक जो है पहुँच जाएँ। और काफ़ी अच्छा होने वाला है ब्लॉग, बहुत बढ़िया ब्लॉग होने वाला है आज का भी दोस्तों। ये जो पूरा जर्नी है मुंबई टू लखनऊ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और आप अभी पिछले वाले आपने देखा ही है पिछले ब्लॉग में, तो पिछला ब्लॉग जो था वो केवल इंदौर तक था और इंदौर से आगे का जो रहेगा दो पार्ट में ब्लॉग रहेगा, क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाता। तो बस चलते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं होटल के बारे में क्या कहें। सुबह से लाइट नहीं है, लाइट चली गई थी, तो अभी गीजर वीजर कुछ चलने को है नहीं। देखते हैं नहाएंगे भी या ठंडा ठंडा पानी है, काफ़ी ठंडी है, देखते हैं। फिर आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे और रश्मि जी रील्स देख रही हैं, मजे ले रही हैं ठंडी का कंबल, मतलब खुद का कंबल लाइफ। हाँ रश्मि उठो, चलो चलिए, मैं जल्दी से मंजन कर लेता हूँ, फिर चाहता हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं, देखते हैं इंदौर की सुबह कैसी है। और मेरे सभी इंदौर वाले दोस्तों को हाय, कैसे हैं आप लोग, सब लोग जितने भी दोस्त लोग हैं इंदौर वाले। समय नहीं रहा, काफ़ी दोस्त लोग हैं, अगर समय होता तो ज़रूर उनसे मिलता, बट समय है नहीं, तो चलते हैं अभी। और इंदौर के बाद में डायरेक्ट भोपाल रुकेंगे, भोपाल में भी देखेंगे, बहुत सारे दोस्त वहाँ भी हैं। वापसी में कोशिश करेंगे कि लोगों से मिलने की, अगर वो लोग अपने को समय वगैरह रहा तो उनसे मिलते हुए आएंगे। बस दोस्तों बने रहिए ब्लॉग पे और देखते रहिए हमारा चैनल शर्मा जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहे। सबको लगी थी और रश्मि जी को तो बहुत ज़्यादा ही लगी थी। अभी अभी देखो हम लोग इधर बैठे हैं खाना खाने के लिए, और दो रोटी और लेके आओ। ठंड भी काफ़ी है दोस्तों, बढ़ गई है। हम लोग ग्वालियर लगभग पहुंच चुके हैं, ग्वालियर से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, अभी ग्वालियर पहुँचेंगे। ग्वालियर ही है, वो बोल रहा था ग्वालियर, मतलब जिला ग्वालियर लगने लगा है यहाँ पे। और हम लोग एंट्री कर चुके हैं लखनऊ, देखो रात तक पहुँचेंगे, भूख बहुत लगी थी, तो ये अभी खाना वाना खा लेते हैं, इसके बाद अब डायरेक्ट सीधे लखनऊ ही रुकेंगे। नहीं नहीं, हम रात में रुकेंगे कहीं नहीं, रात में तो अभी क्या रुकेंगे, चार घंटे में क्या क्या देखेंगे देखेंगे, तो फॉग के ऊपर है, नहीं तो हम लोग चलेंगे रात भर, चलेंगे रात भर क्या, मतलब पहुँच जाएंगे 12 बजे तक पहुँच जाएंगे लखनऊ। तो दोस्तों बने रहिए, जल्दी जल्दी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बाद में, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। बस ब्लॉग पे बने रहिए और आनंद उठाते रहिए मुंबई ट्रिप टू लखनऊ का। मुंबई की तरह नहीं कर सकती है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and I...
through the highways till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. हम लोग पहुंच चुके हैं उरई और कानपुर पहुंचने वाले हैं। देखिए सब लोग ठंडी ठंडी बहुत है, स्वेटर वेटर पहन लिया है, गाड़ी में हीटर चालू है और बाहर इतना फॉग गिर रहा है कि एक सेकंड भी गाड़ी मतलब बहुत मुश्किल से चल रही है। बाहर का नज़ारा भी मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत तगड़ा फॉग गिर रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको बाहर का, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत तेज फॉग है, देख सकते हैं आप लोग ये देखिए। टाइम लगभग हो चुका है 10:15 बज गए हैं, अभी बड़ी मुश्किलों से हम लोग जा रहे हैं। अभी सोच रहे हैं चलो धीरे धीरे करके गाड़ी चला के निकल जाएं, कहीं रुकने का मतलब है कि कल का भी टाइम ख़राब होगा, कल का दिन ख़राब होगा। सबको ठंडी लगी है, सब ने अपना जैकेट वैकेट पहन लिया है। लो रश्मि till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. दोस्तों अभी हम कानपुर पहुंच चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है कि अपने लखनऊ के करीब करीब आ चुके हैं। अभी 1.5-2 घंटे का सफ़र हो रहा है और काफ़ी बदल चुका है कानपुर, अब पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी लाइट वाइट लगी है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आप कैसा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। कानपुर काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत खूबसूरत सिटी हो गई है, दोनों साइड देखिए। आप लोग अगर कोई कानपुर से है, कोई मेरे फ्रेंड लोग, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा कानपुर हो गया है और पहले कैसा था, आप लोग बता सकते हैं। और बाकी बने रहिए ब्लॉग पे, अभी लखनऊ भी पहुंचेंगे, वहां का भी दिखाएंगे आप लोगों को सारा कुछ। ये देखिए तो बने रहिए ब्लॉग पे, दिखाएंगे अभी लखनऊ पहुंच के भी आपको काफ़ी कुछ दिखाएंगे वहां के बारे में भी। और सब लोग सो रहे हैं, रश्मि जी भी सो रही हैं काफ़ी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, जरा से भी फील नहीं हुआ, थकावट नहीं आई, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। तो बस दोस्तों बने रहिए ब्लॉग पे, अभी और आगे भी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के अंदर और देखो लखनऊ में पहुंच चुके हैं और लखनऊ के बारे में मैं आपको दिखाता हूं अभी सारी चीज़ें। अभी रात हो चुकी है, हम लोग थोड़ा अभी चारबाग जाने की सोच रहे हैं कि चारबाग से फिर हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे वहां पे। इस टाइम पे 3 बज रहा है और 3 बजे के आसपास चारबाग ही खुला होगा, बाकी जगह तो सब बंद हो गया होगा। रश्मि कैसा फील हो रहा है अपने शहर में आके? नींद आ रही है तो यहाँ सुबह से लेके गाड़ी चला रहा हूँ, 800 किलोमीटर हो गया है, इनका भी नींद आ रही है। और विल्सन कैसा फील हो रहा है तुम्हें नए शहर में, लखनऊ शहर में? अच्छा लग रहा है, अब लखनऊ को मॉर्निंग में देखेंगे, सुबह सुबह हम लोग घूमेंगे देखेंगे। अभी रात को क्या है, बहुत थक गए सब लोग, अब जल्दी से कुछ खाएंगे वाएंगे और जाके बस सो जाएंगे घर जाके। क्या
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,